फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पब्लिक आज आई हुई है और देख सकते हैं ये जस्ट नदी जो है उस नदी के बीचों बीच हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदरता यहाँ पर आपको दिख रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका आरके ब्लॉग अमर पाटन यूट्यूब चैनल से आज आपके लिए इको पार्क रीवा का दृश्य दिखाने आए हैं। और आज 24 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के रीवा शहर में इको पार्क की ओपनिंग हो रही है और देख सकते हैं कितनी सारी पब्लिक यहां पर है और इस इको पार्क का सुंदरता को देखने के लिए यहां पर बहुत ही पब्लिक ज़्यादा आई हुई है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल में बने रहें, हम आपको अंदर का पूरा वीडियो दिखाएंगे। आपको सारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी आए हैं आज इको पार्क रीवा की सुंदरता को देखने के लिए। आज इको पार्क में निःशुल्क घूमने का मौका आज मिला है, इसलिए भारी भरकम पब्लिक आज आपको इको पार्क के बाहर गेट में आपको दिख रही होगी। देख सकते हैं यहाँ पर लड़कियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं और साथ ही हम आपको वीडियो के लिए आपको दिखाने के लिए आए हुए हैं। इको पार्क रीवा का बहुत ही सुंदर यहाँ पर दृश्य आपको दिखेगा, जहाँ पर आज विधायक, मंत्री, कलेक्टर, सांसद, हर तरह के बड़े बड़े अधिकारी आपको यहाँ दिखेंगे। आपको तो फ्रेंड देखिए, पप्पू भाई भी हमारे साथ में बने हुए हैं जो हमेशा आपको मेरे वीडियो में देखेंगे, दिखते रहते हैं। और इधर सत्यम भाई भी हैं। जब की भीड़ है भाई साहब, ये लग रहा है कि मजा आ जाएगा। अब अंदर चलते हैं तो देखते हैं क्या क्या नज़ारा आ रहा है। हमारे ऋषि सर आ रहे हैं और सैली कमले आ रहे हैं और DID सीजन 13 के हैं विनर, ये लोग आ रहे हैं, उनको देखने चल रहे हैं हम लोग अंदर। अभी देखते हैं, बताते हैं अंदर क्या होने वाला है। ओके ओके, तो ठीक है, चलते हैं दोस्तों अंदर। काफ़ी भीड़ है और काफ़ी भीड़ से हमें फिरते फिरते अंदर जाना पड़ेगा। ठीक, गेट खुल चुका है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पब्लिक आपको यहाँ दिख रही होगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम कम्प्लीटली इको पार्क गेट के अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ में पप्पू, सत्यम भाई हैं और मैं हूँ आरके ब्लॉग। तो अभी हम चलेंगे अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या दृश्य आपको दिखा सकते हैं। तो बन रहे हैं आप मेरे आरके ब्लॉग अमर पाटन यूट्यूब चैनल में, आपको पूरा दिखाते वीडियो। तो फ्रेंड्स, इको पार्क रीवा में आप अंदर आ चुके हैं, देख सकते हैं ये पहला गेट जो हमने क्रॉस किया है और ये क्रॉस करने के बाद आपको ये आपको सुंदरता यहाँ पर दिखेगा। देखिए कितनी सुंदरता तरीके से यहाँ पर सजाया गया है और आज रात का भी कुछ कार्यक्रम है जहाँ पर कुछ सिंगर वगैरह आए हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सुंदरता यहाँ पर दृश्य आपको दिखेगा। हम चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या दिखता है आपको। अंदर आते ही आपको ये नज़ारा दिखेगा जिसको आपको लाइटिंग के द्वारा यहाँ सजाया गया है और अंदर काफ़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, मंदिर बनी हुई है और यहाँ यज्ञ स्थल भी आज बनाया गया है जो आज उद्घाटन के टाइम पे यहाँ पर यज्ञ होने वाला है। देख सकते हैं पूरी व्यवस्था यहाँ पर अभी भी चल रही है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आज बहुत ज़्यादा पब्लिक इको पार्क रीवा में घूमने आई है और बहुत ही सुंदरता यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अभी पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आई हुई है, पब्लिक की सुरक्षा के लिए तैनात खड़ी है। तो फ्रेंड बताना चाहूँगा कि बहुत ही सुंदरता यहाँ पर आपको दिख रही होगी, बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है जो हरियाली से भरा हुआ। जैसे कि यहाँ से आएंगे तो आपको यहाँ पर जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये एक रेस्टोरेंट है।
फ्रेंड्स रेस्टोरेंट बना हुआ है इको पार्क के अंदर, और यहाँ पर आप आ करके कुछ लंच ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब रेस्टोरेंट से हम बाहर चलेंगे और बाहर की खूबसूरती आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप इको पार्क के अंदर पहुंचेंगे तो आपको यहाँ कुंडलेश्वर महादेव जी का मंदिर मिलेगा, जो बहुत विशालकाय मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी भीड़ ज़्यादा होने के कारण काफ़ी पब्लिक यहाँ पर गेट में खड़ी हुई है, जो सभी को बारी बारी अंदर जाने के लिए यहाँ पर आपको परमिशन दिया जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है, इसीलिए आराम से यहाँ अंदर एंट्री के लिए व्यवस्था बनाई गई है। गेट बनाकर खुल चुका है, देखिए पब्लिक आराम आराम से अंदर जा रही है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इको पार्क जो बना हुआ है रीवा में आज उद्घाटन है, तो बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ आज आई हुई है। काफ़ी भीड़ आपको यहाँ पर दिख रही होगी और काफ़ी उत्साहित हैं आज इस इको पार्क की सुंदरता को देखने के लिए। तो देख सकते हैं आज सिंगर भी आने वाले हैं आज के कार्यक्रम के लिए। चलते हैं अंकल जी। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये इको पार्क के जो ब्रिज बना हुआ है, और यही ब्रिज के नीचे से ये नदी जाती हुई आपको दिख रही है, और काफ़ी अच्छा। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पब्लिक आज आई हुई है, और देख सकते हैं ये जस्ट नदी जो है उस नदी के बीचों बीच हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदरता यहाँ पर आपको दिख रही है, ये नदी की आवाज़ भी आपको लग रही होगी, आवाज़ आ रही होगी। ये ब्रिज है जो इस नदी के जस्ट बीचों बीच गई हुई है। अब हम चलेंगे उस पार जो टापू बना हुआ है, वहाँ का भी जो सुंदरता आपको दिखेगा हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स हम इस ब्रिज में हम आ चुके हैं इको पार्क रीवा की, जो ये नदी दिख रही है इस नदी के जस्ट बीचों बीच से ये ब्रिज गई है, और ब्रिज के इस पार जो टापू बना हुआ है हम इसका भी सुंदरता आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं बहुत सारी पब्लिक आज आई हुई है, और ये देखिए
तो फ्रेंड्स जैसे ही ब्रिज पुल के आगे आएंगे लास्ट में तो आपको ये कुछ बना हुआ दिखेगा आपको, और यहाँ पर अच्छी व्यवस्था प्रशासन द्वारा बनाई गई है, पुलिस पब्लिक के लिए खड़ी हुई है तैनात सुरक्षा के लिए। बहुत सारी पब्लिक आई है फ्रेंड्स, देख सकते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे से लेकर के सभी तरह के लोग यहाँ आज इको पार्क में घूमने के लिए आ चुके हैं। आज इको पार्क में बहुत ज़्यादा पब्लिक है और हमारे आए लोग सब यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं, जो आज निःशुल्क है, इसलिए सभी भरमार आज भीड़ आई हुई है। और सत्यम भाई भी हमारे हैं, कुछ कहना चाहेंगे सत्यम भाई? अरे बहुत मज़ा आ रहा है भाई साहब, आप भी आएंगे तो मतमत हो जाए। अपने रीवा शहर के लिए बहुत ही गर्व है, अपने रीवा के लिए बहुत ही गर्व वाली बात है कि आज इको पार्क का उद्घाटन यहाँ हुआ है और बहुत ही सुंदरता यहाँ पर आपको दिखेगा। पप्पू भाई कुछ कहेंगे? देखिए अभी शुल्क के बारे में भी कुछ निर्णय नहीं लिया गया है कितना लगने वाला है, बाकी आज तो फ्री है, बाकी नेक्स्ट टाइम आपको जरूर मालूम पड़ जाएगा कितना चार्ज यहाँ पर है। बहुत ही मनमोहक यहाँ पर दृश्य जैसा दिख रहा है, देख सकते हैं, मैं जूमिंग करूँगा कैमरे को, और काफ़ी पब्लिक आज यहाँ आई हुई है तो हम भी चलेंगे पास में और आपको हम दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी एक जो भाई झूले के लिए यहाँ पर अपने कमर में रस्सी बांध चुके हैं, देखिए कैसे जंप करेंगे, और काफ़ी ख़तरनाक ये झूला साबित हो सकता है, जिनका हार्ट कमज़ोर है प्लीज इस झूले में न झूले हैं। देखिए तो फ्रेंड देखिए अब शुरू होने वाला, ये देखिए जंप कैसे किया है इस भाई ने, काफ़ी ख़तरनाक ऊंचाई तक पहुंचा बंदे ने। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं, इको पार्क रीप जो ओपनिंग हुआ है उसी के खुशहाली में आज बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर आपको दिख रही है। इसलिए जो टावर आपको दिख रहा होगा, इस टावर में एक बहुत ही पतली लोहे की तार बांधी गई है और इसी वायर के माध्यम से अपने आप को उस पार ले जा करके बहुत ही रोमांचक यहाँ पर अपने आप को महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये रीवा के इको पार्क का टापू में खड़े हुए हैं और यहाँ पर बहुत ही सुंदर यहाँ पर बनाए गए हैं देखने लायक, देख सकते हैं बहुत सारी पब्लिक एंजॉय के लिए आई है रीवा के इको पार्क में। तो फ्रेंड्स इको पार्क रीवा जो बना हुआ है आज उद्घाटन है उसका, आपको सुंदरता यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर देखने लायक चीज़ें हैं आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। और फ्रेंड्स यही नदी के उस पार जाने के लिए ये झूले का व्यवस्था किया गया है, लेकिन अभी एंट्री नहीं है, लेकिन जब पूर्ण रूप से एंट्री होगी तो हम ज़रूर आपको यहाँ का वीडियो दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगा आपको जो इको पार्क आज बना हुआ उद्घाटन है ये जयस्तंभ चौक रीवा मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा, जहां पर आपको आकर के यहां बहुत ही सुंदरता देखने को मिलेंगे। देखिए बहुत सारी पब्लिक आज बहुत ही ज़्यादा बनी हुई है, जो कि आज निःशुल्क एंट्री है यहां, इसलिए आज पब्लिक फायदा ले रही है आज घूमने के लिए। यहाँ पर बहुत ही अच्छा गीत संगीत का कार्यक्रम रखा गया है और ये पूरा स्टेज आपको मैं दिखाऊँगा, और कुछ ही समय से यहाँ पर कार्यक्रम जो है गीत संगीत का है। तो आप बन रहे हैं मेरे चैनल पे, हम आपको यहाँ का वीडियो दिखाएंगे। देख सकते हैं बहुत सारी पब्लिक है जो अभी इस कार्यक्रम के इंतजार में बैठी हुई है। ये फ्रेंड्स स्टेज बना हुआ है जहाँ पर गीतकार आएंगे और आज के इको पार्क का जो शुभारंभ हुआ है घूमने के लिए और यहाँ का लुभावी दृश्य दिखा रहे हैं हम आपको, तो आप बन रहे हैं मेरे चैनल में, हम आपको यहाँ का भी गीत संगीत का वीडियो दिखाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी का व्यवस्था भी किया गया रखा गया है, जो आम पब्लिक को कोई भी समस्या ना आए, इसीलिए यहाँ पर अच्छी खासी व्यवस्था बनाई गई है।
तो फ्रेंड्स, आपका आरके ब्लॉग अमर पाटन यूट्यूब चैनल आपके लिए आज इको पार्क रीवा में आज ओपनिंग के टाइम पे हम आ चुके हैं आपके लिए वीडियो शूट करने के लिए। देख सकते हैं बहुत सारी पब्लिक यहां पर बैठी हुई है और ये स्टेज बना हुआ है जहां पर अभी सिंगर अपने गीत संगीत गा करके आम पब्लिक को बहुत सुंदरता तरीके से सुनाएगी। और साथ ही यहाँ पर पत्रकार भी बैठे हुए हैं, देख सकते हैं पत्रकारगण यहाँ पर पूरे व्यवस्था किया गया है यहाँ पर, और पुलिस प्रशासन भी यहाँ बैठी हुई है व्यवस्था देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, बन रहे आप मेरे चैनल में, हम आपको यहाँ का पूरा वीडियो दिखाएंगे। देख सकते हैं अच्छी खासी पब्लिक यहाँ पर है और आज इको पार्क का उद्घाटन हुआ है और अच्छी खासी सिक्योरिटी व्यवस्था बनाई गई है फ्रेंड्स। तो अभी हम भी बैठेंगे अपनी सीट में और आपको हम वीडियो दिखाएंगे। आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी उपस्थित हो चुके हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस मंच के शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। मैं चाहूंगा इस दीप वर्तिका के उजाले में हम सब भी सम्मिलित हो जाएं और आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। हरिओम अग्निर्देवता वातो देवता चंद्रमा बता चंद्रमा देवता बसवो देवता दिद्या देवता रुद्रा देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता स्वस्तस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु। इस रात की शुरुआत गणपति बप्पा के आशीर्वाद के साथ और उनका आशीर्वाद हम तक पहुंचाने के लिए हमारे आर्टिस्ट आ चुके हैं आपके सामने ऑन स्टेज। वंस अगेन तालियों के साथ चलिए स्वागत करते हैं हम इन सबका। लीजिए यहाँ पर हम भी बिल्कुल तैयार हैं टू स्टार्ट दिस इवनिंग विद ग्रेट पॉम्प एंड शो एंड वी हैव दीज थ्री टैलेंटेड सिंगर्स विद अस टुनाइट। सो एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इन तीनों के लिए, इन तीनों कलाकारों के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन, सुनहरा और यादगार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सो गाइस, बिफोर वी स्टार्ट द इवनिंग, इतनी भीड़ यहाँ पर है, आर यू गाइस एक्साइटेड टू परफॉर्म? सुपर एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी आई हैव कम हियर। इतना ब्यूटीफुल इको पार्क बना है, एक बार जोरदार तालियां यहाँ के लिए एक बार। नमस्कार रीवा, कैसे हो आप सब लोग? मैं इतना ज्यादा लोगों को देख के मैं पागल हो जाऊंगी, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब मैं रुकी हूँ कि कब हम लोग सब गाए आपके सामने। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग, थैंक यू। जय श्री राम। नहीं नहीं नहीं, आवाज अभी भी ढंग से नहीं लगी है। जय श्री राम। बस बस, मुझे पता चल गया आप लोग बहुत प्यार करते हो मुझसे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग हियर। कल दिन है इस इंतजार की घड़ी को अब हम खत्म और आ चुके हैं हमारे टैलेंटेड सिंगर्स अब आप सबके सामने लेकर अपनी हसीन आवाज, खूबसूरत सी आवाज आप सबके लिए, आप सबके सामने। मेन स्टेज में एकदम अंदर है, हम स्टेज के पास
आज आपको हमने इको पार्क रीवा का उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम दिखाया, साथ ही आपको जो यहाँ मंच में जो संगीतमय कार्यक्रम हुआ फ्रेंड्स, हमने आपको वो चीज़ सब कुछ दिखाया। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं और मेहनत करके खर्च करके आपके लिए नए नए वीडियो लाते हैं। प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिएगा। फ्रेंड मेरा आप सपोर्ट करिए जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियो ला सकें। अगले वीडियो मिलते हैं फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, सी यू।